वर्षा काल में खेत की तैयारी मतलब बने फूलों की खेती के लिए मैंने अच्छी तरह से करना नितांत आवश्यक है। तो देखिए कि जैसे मैंने अपन खेत की तैयारी अपने यहाँ के मौसम के आधार पे अपन देखते हैं कि मौसम तो खैर के बरसात के सीजन में करीब करीब समान ही रहता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ जोन को भी यानी मौसम के आधार पे मतलब 3 जोन में बांटा गया है, जैसे बस्तर का पठार और छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग और उत्तरी पे यानी पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो ये फूलों की खेती बरसात में तो पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब बने किया जा सकता है। और बात यहाँ आती है कि हम जैसे खेत की तैयारी जुताई गुड़ाई अच्छे से करते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि ड्रेनेज का भी बहुत अच्छा सिस्टम बना के रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के सीजन में कभी कम बारिश होता है, कभी इतना ज़्यादा बारिश होता है कि अपने को अने अगर मान लो सही मतलब बने जल निकास की व्यवस्था नहीं किए रहते हैं तो क्या है ना, 2-3-4 दिन तक लगातार अगर झड़ी पानी गिरता है तो उस समय पौधे मने के लिए जितना पानी की आवश्यकता है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने, आप भी चलो ना। फार्म स्कूल जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत का। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना, अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहन हो तुम्हार मन के स्वागत है, जय जोहार है। आज तो ये क्यों संगी ठुमकी नाचे हो, ठुमकी नाचे हो, करिया बादर है या साड़ी के, झमाझम पानी बरसे, झमाझम पानी बरसे, धरती करे सिंगार संगी, धरती करे सिंगार, अरे मधुमक्खी पालन के संगी, महिमा है अपार जी, महिमा है अपार, माटी मा सोना उपजा भोगा, माटी मा सोना उपजा थो जी, पसीना बोगार के ठुमुकी नाचे जी। हाँ संगी हो, आषाढ़ अभी निकली से सावन का महीना आगे, झमाझम पानी गिरत है,
चारों कुदी हरियाली बढ़त जात हवे, मेजका मछली पेड़ पौधा सब खुश है और किसान भाई तुहु मन खुश हवा। और काहे के भी तुम्हार मन की बिझाए बता बोए के टाइम है और वही समय से तुम्हार मन के जो उत्पादन के जो कार्यक्रम है शुरू होते संगवारी हो। हमारे जो कृषि दर्शन के कार्यक्रम है तेन हाँ हमारे किसान भाई मन के सबो प्रकार के धन दौलत बढ़ाए, स्वास्थ्य बढ़ाए, यश कीर्ति बढ़ाए, यही सोच करके आपके सामने में दिखाए जाते संगवारी हो। तो खेती किसानी में तो अंत उपजाबे करता हो, ये सबसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है। दुनिया बाकी चीज काम चल जाए लेकिन बिना अन्न के चले नहीं, लेकिन अन्न के उत्पादन के साथ साथ में कुछ ऐसे भी हमारे गतिविधि हमन तुम कर सकत हो जेखर से तुम्हारा धन है अतिरिक्त धन के तुम्हारा आय हो सकते संगवारी हो। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी के जो पालन है वो हर बहुत कम मात्रा में हुआ थे, जबकि मधुरस के मांग अतेक है जबकि हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं संगी हो। तो तुहु मन मधुमक्खी के पालन कैसे कर सकत हो यही विषय में आज हमारे उनकी चर्चा हुई। काबर की मधुमक्खी के जो पालन है तेखर एक सफल कृषक भिलाई छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हुए श्री अब्दुल एजाज जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। तो अब्दुल एजाज जी आप बहुत बहुत सफल ढंग से मधुमक्खी पालन करत हमें संगवारी हो, और मैं तुम ला घर से संबंधित कुछ भी सवाल तुम्हारे मन में हो है तो तुम सीधा फोन लगा के हमारे मन से बात कर सकत हो। मैं आप मेरा टोल फ्री नंबर बता देता हूँ 1800239418। ये जिन तुम्हारे टीवी नंबर दिख रहे थे हम सीधा फोन लगा और तुम्हारे सवाल के जवाब ला हमारे जो सफल मधुमक्खी पालक आए हुए श्री एजाज जी जो है अब्दुल एजाज जी तेना बताई। तो आपके सर शुरू करी तो सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहब अब्दुल साहब कि आपके विचार कैसे हुए इस मधुमक्खी पालन करे के काग से करे। जी देखिए कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर मुझे हमेशा से लगाव रहा है और ये एकमात्र संयोग था कि जब मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का और इसके नक्शे का अध्ययन कर रहा था तो मैंने समझा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश लगभग 148 लाख हेक्टेयर में बसा हुआ है जिसमें से 67 लाख हेक्टेयर में वन है और 46 लाख हेक्टेयर में जो है खेती बाड़ी होती है। बढ़िया। तो ये वन का क्षेत्रफल 67 लाख हेक्टेयर और खेती बाड़ी 46 लाख हेक्टेयर, इसमें हर फसल के पहले चाहे वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फसलें हों या इंसानों द्वारा की जाने वाली हो, हर फसल में फल से पहले फूल आते हैं। बिल्कुल एकदम जरूरी है। तो इन फूलों का क्या होता है? जी जी। जब मैंने और गहराई में जाकर अध्ययन किया तो पता चला कि हम अगर इन फूलों का सदुपयोग कर लें तो हम एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा राजस्व जनरेट कर सकते हैं अपने प्रदेश और अपने देश के लिए। बहुत बढ़िया सोचे हो। इसके लिए मधुमक्खी पालन बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। यही सोचकर मैंने सन 2016 में चार साल पहले हमने एक समूह बना के मधुमक्खी पालन की शुरुआत की और उस समूह का हमने नाम रखा, चूंकि खेती बाड़ी के लिए ये काम होना है इसलिए उस समूह का हमने नाम रखा आहा मधुमक्खी पालन। अच्छा। आहा में तीन लेटर आते हैं इंग्लिश के AHA, तो एपिकल्चर फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। बहुत बढ़िया। यानी मधुमक्खी पालन कृषि और उद्यानिकी के लिए। आगे आपको वार्ता में पता चलेगा कि परागण क्या होता है और कैसे इससे फायदा मिलता है। परागण का फायदा लेने के लिए हमारे बहुत सारे वेजिटेबल फार्मर्स और फ्रूट फार्मर्स जो है हमारे इस मधुमक्खियों को अपना चुके हैं। अच्छा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन को मधुमक्खी पालन करना चाहते जी तो सबसे पहले उबर का करें, का चीज इकट्ठा करें, का उखर सबसे पहले काम करना चाहिए? सबसे पहले कोई भी किसान अगर मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो उसको अपने आसपास के जंगलों का, आसपास की खेती बाड़ी का सर्वे करना चाहिए। अच्छा। कि हमारी जो फसलें हैं, फसलों का जो चक्र है उसमें फूलों की उपलब्धता कितनी है। इसी प्रकार से हमारे गांव से, हमारे एरिया से लगे हुए सटे हुए जो जंगल हैं उनमें फूलों की उपलब्धता कितनी है और कब है, इस तरीके से एक कैलेंडर डिजाइन करना चाहिए पूरे साल भर के लिए। अच्छा। ये सबसे पहला काम होना चाहिए। उसके बाद फिर मधुमक्खी की कॉलोनी लाना। जी एक मिनट आप रुका था, एक पहले किसान भाई फोन है तो पहले ले लेता। स्वागत। हाँ, बात लगो। स्वागत। हाँ हेलो। हेलो। हाँ संगी कौन बोला था जी? हाँ सर मैं रायपुर जिला काम खैर मोड़ से महावीर यादव बोला था सर। हाँ यादव जी आपके स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार सर। हाँ महावीर जी पूछा क्या पूछना चाहा था? सर हमारे गांव में बहुत से शिक्षित बेरोजगार युवक है तो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, वो हमारी बहुत जन शिक्षित बेरोजगार है
शेखर बनवारी मधुमक्खी पालन योजना आप कहा रहे हो जी जी, कैसे कुछ फायदा दे सकते का सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, यादव जी ने पूछा कि ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? हाँ, और इधर से कुछ रोजगार प्राप्ति हो सकती जी जी, रोजगार का तो बहुत बड़ा सोर्स है ये। और सबसे पहले यादव जी के प्रश्न का जवाब दे दें कि ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। तो यादव जी, इसकी ट्रेनिंग जो है नेशनल बी बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जो है पूरे देश भर में इसकी ट्रेनिंग के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें जो है हर प्रदेश में अलग अलग जिलों में 25-25 की बैच में ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग 7 दिवसीय व्यवहारिक ट्रेनिंग होती है जो पूर्णतः निःशुल्क होती है। अभी मार्च 2019 में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी 3 जिलों में, रायपुर, राजनांदगांव और दुर्ग, ये 3 जिलों में 25-25 की बैच में 75 किसानों को ट्रेनिंग दी गई और प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अतिरिक्त इसकी ट्रेनिंग सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र द्वारा मिलती है, समय समय पर यहाँ पर से ट्रेनिंग मिल सकती है, व्यवहारिक ट्रेनिंग। इसके अलावा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में बहुत ही उच्च स्तर की ट्रेनिंग जो है समय समय पर संचालित होती है। ये तो ट्रेनिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा अगर कोई चाहे कि वो व्यवहारिक ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो हमारी यूनिट में, मतलब आहा मधुमक्खी पालन की यूनिट में आकर ट्रेनिंग ले सकता है। जी बढ़िया, आप बता दें तो। हाँ तो सर, मैं वो ट्रेनिंग ले ही थे, मतलब रोजगार मिली? रोजगार तो ये स्वरोजगार है। हाँ, हाँ। स्वरोजगार है। हाँ। जब आप मधुमक्खी पालन करेंगे तो इसके उत्पाद बेच के, मधुमक्खी को बेचकर और अपनी फसलों का परागण से के द्वारा उत्पादन बढ़ा के आपको स्वरोजगार में रेवेन्यू जनरेट। हाँ, तो आप बताए जैसे फूल के आदमी सर्वे कर ली पास, उखर बात का करने लगे, उसके बाद जो है अब उसको मधुमक्खी की कॉलोनी लेकर आना है। अच्छा। तो मधुमक्खी की कॉलोनी मतलब एक परिवार, बीजा के दिन जी, जी, जी एक परिवार जी। एक परिवार या एक कॉलोनी में जो है एक रानी होती है, रानी मक्खी होती है, कुछ 2-4% यानी कि 100-150 करीब करीब जो है नर मक्खी होती है। नर मक्खियों का, रानी मक्खी का काम है आजीवन अंडे देना, नर का काम है रानी की सहायता करना समागम के लिए। उसके अलावा जितनी भी मक्खियां होती हैं वो फीमेल वर्कर्स होती है, श्रमिक मादा मक्खी होती है। इनकी एक कॉलोनी लकड़ी के चौकोर बक्सों में पाली जाती है जिसमें फ्रेम होते हैं। तो ये कॉलोनी के बक्से के अंदर कॉलोनी लेकर आना होगा। कहां से मिली ये कॉलोनी? कोई भी पुराने मधुमक्खी पालक जो है जी जी, वो जब अपनी मधुमक्खियों की कॉलोनी की संख्या बढ़ा लेते हैं तो वो बेचते हैं। अच्छा। जब भी आपको चाहिए होगा तो आप आहा मधुमक्खी पालन से अगर संपर्क करते हैं तो हम अपने पास से दिलवा सकते हैं या और कहीं से जहां पर उपलब्ध हो वहां से दिलवा सकते हैं, ये लाना होगा। इसके अलावा शहद निकालने के लिए एक निष्कासन यंत्र होता है, एक्सट्रक्शन मशीन, वो एक्सट्रक्शन मशीन लानी होगी। आपने फिर बीच में रोक देता हूं, किसान भाई फोन पे जी, स्वागत जी। हाँ हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, कौन बोले थे जी? भैया, अरे गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके, जय जोहार। जय जोहार भैया, जय जोहार। पूछो पूछो। जानकारी बोला मधुमक्खी पालन करबो ना। हाँ। शुरुआती अवस्था में कते खर्चा आप भैया ने? हाँ। किसानी करता किसानी करत करत हम मधुमक्खी पालन कर सकते हम नहीं, और कते खर्चा जाते जी जी, कते खर्चा में शुरू हो जाए जी जी। देखिए ये किसानों के लिए ही तो उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, इसलिए किसानों के लिए ही ये उद्योग है। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं किसानी करते हुए। और जहां तक खर्चे की बात है तो ये आप किस स्तर पर करना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आप 50 बॉक्स की एक मधुमक्खी कॉलोनी के साथ यूनिट डालते हैं तो करीब 2-2.5 लाख रुपए के खर्चे में आप ये काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जिसमें कम नहीं हो सके? जिसमें मैं बता रहा हूँ, जिसमें जो है 2-2.5 लाख रुपए में आप अगर खुद के पूरे पैसे लगाते हैं तो कर सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है जिसमें सब्सिडी मिलती है, लगभग 40% सब्सिडी या 50% सब्सिडी या कहीं कहीं पर 60% तक सब्सिडी है। तो वो सब्सिडी का अगर फायदा लेते हैं तो आप 2-2.5 लाख रुपए में से उतने प्रतिशत सब्सिडी कम कर दें, आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 50 बॉक्स की कॉलोनी डालते हैं 2-2.5 लाख रुपए खर्च में तो सिर्फ 1 साल में आप 2.5 लाख रुपए का शुद्ध आय अर्जित कर सकते हैं। अरे वाह भाई वाह,
अच्छा, 10-5 बॉक्स में शुरू नहीं कर सके? बिल्कुल 10-5 बॉक्स में भी शुरू कर सकते हैं, 2 बॉक्स में भी शुरू कर सकते हैं। हाँ। आप जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब छोटे से लेके बड़े बड़े स्तर पर रोल करे जा सके। तो आप सर, जैसे हमारे मधुमक्खी कॉलोनी आगे, तो मधुमक्खी के जो मधुरा से कतका दिन में तैयार हो जाए, और ये दौरान तैयारी के दौरान तक के कौन कौन बात के विशेष ध्यान रखे लगे? देखिए, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी फूलों की उपलब्धता के ऊपर कि कितने दिनों में तैयार होगा। जैसे हर चीज का एक सीजन होता है, उसी तरीके से मधु आने का भी एक सीजन होता है। उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं हनी फ्लो का सीजन। जैसे अभी वाला जो सीजन है, इसके एक आध महीने बाद जो है सितंबर अक्टूबर से हमारा हनी फ्लो का सीजन शुरू हो जाता है। तो उस समय जो है, अगर आपने अच्छी फसलों को सेलेक्ट किया है और अच्छी फसलों में फूल खूब अच्छे आए हुए हैं, तो हर 15-20 दिन में मधु इकट्ठा हो जाता है। आप हर 15-20 दिन में निकाल सकते हैं। जी अच्छा अच्छा, ये दो तीन महीने लगे तो ही कहा थे। नहीं, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि फूलों की उपलब्धता के ऊपर। जी जी, एक किसान भाई को फोन है। स्वागत है। हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? मैं यशवंत साहू बोला था, ग्राम खैरपुर रायपुर से। हाँ यशवंत जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। ये मधुमक्खी पालन करना है तो एक लिए हमला का करे लगी, फूल के खेती करे लगी कि हाँ। कन जगह में हमला करे पड़ी, एक बारे में जानकारी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वही तो चर्चा चलते थे कि कहाँ से मधुमक्खी लाना है, कतका तक में शुरू हो जाए और कैसे पालन के सर बताओ एक बार। जी जी जी। आपको जगह कितनी लगेगी, ये आपने पहला प्रश्न किया है। तो जगह की बात मैं आपको बताऊं कि आपके पास जितना भी एकड़ खेत है आप उसको भूल जाइए। आप अभी अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे थे तो आप 113 लाख हेक्टेयर जो छत्तीसगढ़ का है उसको याद रखिए, वो पूरा आपका है। मधुमक्खी की कॉलोनी रखने के लिए बहुत थोड़ी सी जगह लगती है, 2 फीट 2.5 फीट का एक बॉक्स होता है, आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं छाया देख के। और इसका मधुमक्खी का जो वर्किंग एरिया है 2 से 2.5 किलोमीटर का है। 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी फूल होंगे वो सब पर काम करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि वो यशवंत साहू जी के ही खेत में काम करेगी, वो सभी के खेत में काम करेगी और फायदा यशवंत साहू जी को देगी। दूसरा सवाल यशवंत साहू जी आपका ये था कि किस किस तरह की फसलें होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा फसलों का चुनाव जो है वो करने की जरूरत नहीं है, सारी फसलें हमारे पास उपलब्ध हैं। मतलब अलग से फूल लगाने पर ही अलग से फूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी दलहन तिलहन की जितनी फसलें हैं वो सारी सपोर्ट करती हैं, जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, है ना, ये सारी सपोर्ट करती हैं। उसके अलावा मैं आपको सभी प्रजाति की फसलों को का एक बार नाम बता देता हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा इनके लिए। तो अगर सब्जी की फसलों में बात करें तो जैसे लौकी, बैंगन, खीरा, कद्दू, तरबूज, है ना, मिर्च और सभी प्रकार के कुकुरबिट्स, ये सब्जी की फसलें हो गई, है ना। इसी तरह से दलहनी तिलहनी फसलों में अगर बात करें अपन तो अरहर, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, तिल, राम तिल, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, तोरिया, ये सब हो गई, है ना। इसी तरीके से अगर फलदार फसलों की बात करें तो उसमें लीची, सेब, अमरूद, पपीता, अंगूर, नींबू, संतरा, मौसम्बी, जामुन, चेरी, बेर, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, ये सब हो गया। देखा सबके सबके फूल रहना चाहिए। जी जी, सब में फूल आएगा। इसी तरीके से इवन चारे वाली फसलें जो दूब होता है, दूब, बरसिम, अल्फा अल्फा, ये सब भी। और फिर हमारे आसपास जो जंगल है तो जंगली फसलें जो है उसमें रीठा, छिछड़ी, तो नीलगिरी से वो फूल ले सकते हैं। जी जी, काम जो हो जाए। बिल्कुल। तो एक और किसान भाई को ले। स्वागत। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोला था संगी? दिलेश्वर चक्रधारी देवरी महासमुंद। हाँ दिलेश्वर जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार। हाँ पूछा संगी। हाँ मैं पूछा था, स्वागत है सर। हाँ हाँ पूछा। मैं पूछा था, एक बॉक्स में हमला कतका आमदनी होगी और वो कहाँ बिकी? ठीक है, मधुरस कहाँ बिचाही? अब एक बॉक्स के उत्पादन, एक बॉक्स में अगर आपने उचित प्रबंधन किया, है ना, पूरे साल अगर आपने मौसमी प्रबंधन और जो जो प्रबंधन होंगे जो आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, प्रायोगिक ट्रेनिंग में अगर आपने उचित प्रबंधन किया तो एक बॉक्स से 40 से 50 किलो शहद प्रतिवर्ष निकल सकता है। अच्छा। 40 से 50 बॉक्स। और बेचने की बात कर रहे हैं आप, तो जैसा कि शर्मा जी ने शुरुआत में ही कही
कि शहद की इतनी मांग है कि जितना हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो बेचने के लिए कोई परेशानी नहीं है। बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ले लेते हैं। हमारे देश में अभी 18 से 20 लाख कॉलोनी पे काम हो रहा है पूरे देश भर में, जिससे 75 से 80 हजार मीट्रिक टन शहद उत्पादित होता है पूरे देश में। बढ़िया जानकारी। और ये पूरा शहद जो है, ज्यादातर शहद निर्यात हो जाता है, तो शहद की डिमांड बहुत है, बेचने की कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़ी आसानी से। बड़ा सुंदर जवाब मिल गया। सही तो सर, अब ये एला बता रहे हो कि ये फूल वगैरह सब आगे रख दें, कॉलोनी जमा दें, उखर बाद पूरा तैयारी तक के, और शहद कैसे निकाले जाए पराग से, और दूसरा बात ये काठी कुटाई की डर घरों लागते जी जी, तो ये सब बात से कैसे बचे जाए। और संगे संग यू बात बता देगा कि अभी कोरोना काल चला थे, तेन समय में सब मजदूर मन भी बहुत जमन आए हमें, भारत की आर्थिक व्यवस्था में बड़ा फर्क पड़े, उखर पर कुछ ये मधुमक्खी पालन घलो सहयोग हो सकते जी 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 जी। पहले सबसे आखिरी प्रश्न का सबसे पहले जवाब देता हूँ मैं कि कोरोना काल में मधुमक्खी पालन कैसे सपोर्ट करेगा भारत की अर्थव्यवस्था को जी। तो देखिए, वाकई में ये कोरोना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है जी, है ना, और चुनौती को अवसर में बदलना ये हमारी समझदारी है। बिल्कुल ठीक। अगर मधुमक्खी पालन की बात करें कि तो हमारे देश में आज 18 से 20 लाख मधुमक्खी कॉलोनी है, जबकि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है जिसमें खेती बाड़ी होती है, उससे जो उत्पादन होता है वो उत्पादन विकसित देशों के बराबर करने के लिए हम 100 गुना पीछे हैं। अच्छा। उचित परागण के द्वारा और परागण कहाँ कहाँ मधुमक्खी करती है। हमारे देश को 20 करोड़ मधुमक्खी कॉलोनी की जरूरत है, ये राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली का अध्ययन है। बहुत बढ़िया, है ना। तो हमारे को बहुत बड़ा एक उद्योग जो है हमारा इंतजार कर रहा है, और अगर हम 20 करोड़ मधुमक्खी बॉक्सों पे काम करते हैं हमारे देश में होता है, तो इससे 2 करोड़ 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या बात। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है, इसको इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, हमें इस पे काम करना चाहिए। बहुत सुंदर सलाह दे आप, एकदम बहुत बिल्कुल गणित के साथ में जी। तो मैं कम से कम 2 करोड़ आदमी लस्ते घर से जी, और ये मेरा अध्ययन नहीं है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली का। सर ये तो ठंड के समय चला थे, पानी के समय में गिरे थे, बढ़िया हरियर फूल पत्तर ही थे, गर्मी के समय में घर पालन हो सकते जी। देखिए, प्रकृति में हर समय कुछ ना कुछ उपलब्धता रहती है जी। जैसे गर्मी के सीजन में जो है जामुन, है ना, करंज, इस तरह के नीम, इस तरह के पेड़ों में जो है फूल रहते हैं। हाँ, एक बिल्कुल ठीक बात। जी जी, प्रकृति में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। हाँ, जब बिल्कुल ड्राई पीरियड रहता है तो उस समय जो है हम मधुमक्खियों को शक्कर का घोल पिलाते हैं ताकि अच्छा। उनका सर्वाइवल हो सके। जब बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है तब उस समय शक्कर का घोल पिला के उनको जिंदा रखा जाता है। वो जो है ड्राई पीरियड 1 या 2 महीने का हो सकता है ना, तो उसमें उनको जिंदा रखने के लिए शक्कर का घोल पिलाया जाता है। अच्छा सर, लान के कॉलोनी बसा दें, उखर बाद हम अल्लाह उखर बदरस निकाले बार 15-20 दिन जब भी निकलना, वो दौरान में कौन कौन बात के ध्यान रखना, कुछ खातू माटी कुछ कहीं दे बार कुछ तो लगे तो नहीं कुछ एला बता दें। जी जी, देखिए हमको जो करना रहता है, मधुमक्खियां अपना सारा काम खुद कर लेती हैं, हमको जो करना रहता है वो ये करना रहता है कि उनकी साफ सफाई का और हाइजीन का ध्यान रखें। जी जी, हम जहां कहीं भी रखें जी जी, हम जहां हो गया जी जी जी। तो अच्छा जानकारी हमारे किसान भाई मन मिली, सब आपके बताए के हिसाब से हमारे किसान भाई मन बढ़िया मधुमक्खी पालन करी। और अब्दुल एजाज जी, फिर आप मौका पड़े बुलावो तो हो जाए। जवाहर तो संगी हो खेती किसानी के साथ में कम जगह में और लाखों रुपया कमाए के साधन, ये मधुमक्खी के पालन तो हर बार हो सकत है। आज बस सबके अवैया दरी बार फिर नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगस जम्मू संगवारी मल्ला, जय जवाहर।